नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी NSDL से पैन कार्ड बनाते हैं या फिर आप भी NSDL से पैन कार्ड बनाने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा NSDL के पोर्टल लेकर आप फिंगर के माध्यम से या OTP के माध्यम से कैसे अपने ग्राहकों का पैन कार्ड बना सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आप बड़ी आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी पैन कार्ड बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हो आपके पास या कंप्यूटर या लैपटॉप, दोनों से बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। तो इस वीडियो में आपको फाइनल प्रोसेस बताऊंगा कि आपको NSDL की ID को एक्टिवेट कैसे करना है और एक्टिवेट साइन अप कैसे करना है, साइन अप करने के बाद एक्टिवेट कैसे करेंगे, और साथ ही NSDL के पोर्टल से आप पैन कार्ड अप्लाई कैसे कर सकेंगे सक्सेसफुल OTP और बायोमेट्रिक दोनों के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए कर लेते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि आप NSDL के पोर्टल के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसकी ID को कैसे एक्टिवेट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या कहीं बार आ चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हम डालते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर न्यू डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आप डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर। यह प्रोसेस आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको चले जाना है अपने क्रोम पर या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको गूगल में सर्च कर देना है यहाँ पर वेबसाइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट को यहाँ पर सर्च कर देना NSDL.jmdpanindia.in। इस वेबसाइट का डायरेक्ट URL आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कर देना, उसके बाद में रजिस्टर करने के लिए आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको रिटेलर ID लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है या फिर आपको क्या लेना है। तो आपको ID लेने के लिए क्या क्या डिटेल लगेगी, तो आपको सिंपल सा जैसे ही रजिस्टर वाले पेज पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज पर कुछ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर न्यू यूज़र, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी मेल ID पर एक ID यूज़र ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यूज़र ID पासवर्ड के माध्यम से आपको सिंपल सा इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। लॉगिन करने के देख सकते हैं आपको यूजर ID और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपके सिंपल से मेल ID पर आपको इसका यूजर ID और पासवर्ड रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डालने के बाद सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल नंबर ही यूजर ID रहता है और पासवर्ड भी मोबाइल नंबर ही रहता है। अब आपको सिंपल सा लॉगिन करने के बाद चेंज कर लेना पासवर्ड को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल सा देख सकते हैं लॉगिन होने के बाद आपको सिंपल कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर NSDL मैनेज का। तो यहाँ पर देख सकते हैं NSDL मैनेज ऑप्शन में आपको चले जाना है। NSDL मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं EKYC पैन कार्ड, EKYC यहाँ पर करना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल सेक्शन में आप अपनी डिटेल देख सकते हैं, जो डिटेल आपने इंटर किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एजेंट ID को एक्टिवेट करने के लिए आपको चले जाना है EKYC पैन कार्ड पर। तो EKYC पैन कार्ड पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो वॉलेट में है बैलेंस दिखाएगा यहाँ पर, आपको कितना बैलेंस ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने बैलेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर अपनी एजेंट ID को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये बैलेंस आपके वॉलेट में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि आप जब पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी ID को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर अपने के पास ये बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस ऐड करने के लिए आपको चले जाना है वॉलेट मैनेज में। यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर चले जाना है, अमाउंट डाल देना है और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट डालेंगे और यहाँ पर UPI के माध्यम से आप बैलेंस ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा, आपको सिंपल सा इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। फ़ोनपे, गूगल पे या जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फ़ोनपे से अपना QR कोड को स्कैन करके देख सकते हैं हम फ़ोनपे ओपन कर लेंगे। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आपको चले जाना है अपने QR कोड में। QR कोड करने के बाद इसको स्कैन करना है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर उनका नाम दिख जाएगा, जो भी कंपनी से आप पेमेंट कर रहे हैं, NSDL की एजेंट ID लिया है आपने। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट कर लेना है। ऐड पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप से पेमेंट सक्सेस होने के बाद हैंड टू हैंड आपके वॉलेट में इसका बैलेंस टॉपअप कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ स्टेप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉलेट रिचार्ज, मतलब आपका रिचार्ज सक्सेस हो चुका है। अब आपको ओके प्रेस कर लेना है, उसके बाद में देख सकते हैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके वॉलेट
में इस टाइप से बैलेंस यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा। उसके बाद में आपको अगर अपना जो एजेंट आईडी को एक्टिवेट करना है NSDL मैनेज ऑप्शन में फिर से आपको चले जाना है वापस से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिस्काउंट में अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया है वेबसाइट की, यहाँ पर देख सकते हैं EKYC पैन कार्ड, अब आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद में देख सकते हैं उस टाइम में आपको वॉलेट ऐड करने के बोल रहा था, अपने टॉपअप करने के बोल रहा था, अब देख सकते हैं आपको इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको दिख जाता है यहाँ पर NSDL EKYC इंस्टेंट पेन। तो आप देख सकते हैं आपकी आईडी एक्टिवेट होने जा रही है, तो आपको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है। आप देख सकते हैं NSDL इंस्टेंट पेन और NSDL पेपरलेस पेन कार्ड OTP बायोमेट्रिक थॉट पेन कार्ड अप्लाई, आप अपने OTP के माध्यम से बना सकते हैं और OTP के माध्यम से और फिंगरप्रिंट के माध्यम से दोनों से बना सकते हैं। कितने में बनाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज दिया है 107 का चार्ज आपको लगने वाला है और आईडी एक्टिवेट करने के लिए 199 का यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं एक्टिव दिस सर्विस, सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर देख सकते हैं ICO आप सियोर हैं तो ओके प्रेस कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो आईडी है सर्विस एक्टिवेट कर दी गई है, बायोमेट्रिक और आधार OTP के माध्यम से पेन कार्ड बनाने की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया गया। अब आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, आपका बैलेंस यहाँ पर कट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं NSDL मैनेज ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे आप पेन कार्ड अप्लाई करना है आपको, तो देख सकते हैं EKYC पेन कार्ड, अब इसी ऑप्शन पर जाएंगे तो देख सकते हैं अब आपको कोई भी यहाँ पर एक्टिवेट करने की सर्विस नहीं आ रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पेन अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर बड़ी आसानी से आप पेन अप्लाई कर सकते हैं। नेम एज पर आधार, जिनका पेन कार्ड बना रहा है उनका नेम एज पर आधार के हिसाब से नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मेल जेंडर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना और प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं 107 का, जैसे कि मैंने पहले बताया तो 107 का आपको चार्ज लगने वाला है पर पेन कार्ड पर। तो इस टाइप से बड़ी आसानी से आप एजेंट NSDL की एजेंट आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन और बड़ी आसानी से OTP के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी एजेंट आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा लाटेस्ट न्यू और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन।